हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, अब आपके पास ईएमआरएस के लिए टाइम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चनों को आप पढ़िए जिसमें आपको डाउट है, और मैं कम से कम 10-15 प्रैक्टिस सेट आपको पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए 23 दिसंबर तक कितना हो जाता है। अब बट मैंने बहुत सारे वीडियो प्रैक्टिस से अपलोड किया हुआ है, जो मैंने बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस कराया हुआ है, उन सभी प्रैक्टिस को आप देख सकते हैं। और मैं आपकी परीक्षा के पहले तक लगातार मैं प्रैक्टिस कराने की पूरी कोशिश कर रही हूं। तो दोस्तों, आज का ये पार्ट है 3रा पार्ट, एंड इक्वल ईएमआरएस के लिए नहीं, अदरवाइज ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी के सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज के क्वेश्चन में एकदम इजी से इजी क्वेश्चन भी शामिल है, एंड मॉडरेट लेवल के भी शामिल हैं। जैसा कि दोस्तों, बस एक बात याद रखिएगा कि एग्जाम में इजी क्वेश्चंस आपके गलत ना हो, वो आपका कंफर्म होना चाहिए, वही आपके नंबर डाउन कर देते हैं। तो उस पर ध्यान से लगाइएगा। ये मतलब इजी क्वेश्चन गलती क्यों होता है, क्योंकि हम अपने मन में समझते हैं कि इसको तो हम पढ़े ही हैं, लगाएंगे तो सही ही लगाएंगे, और थोड़ा भी उस पर तर्क नहीं करते और लगा देते हैं। तो थोड़ा सोच के लगाइएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, धमनियां यानी आर्टरीज जो है रक्त ले जाती है। तो धमनियां रक्त कहाँ ले जाती हैं? तो यह हृदय से रक्त को लेकर के शरीर के विभिन्न अंगों तक, यानी सभी अंगों तक रक्त को, शुद्ध रक्त को पहुंचाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? हृदय से रक्त ले जाती है। कहाँ ले जाती है? अंगों में, समस्त अंगों में। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि जो सिराएं होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। अपवाद है, आप समझते हैं, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है लेकिन पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है लेकिन अपवाद स्वरूप क्या है कि जो फुफ्फुसी यानी पल्मोनरी सिरा है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, तो धमनियां हृदय से शुद्ध रक्त को सभी अंगों तक पहुंचाती हैं, और सिराएं जो हैं सभी अंगों से अशुद्ध रक्त लेकर के हृदय के दाएं भाग, दाएं अलिंद में आकर के हृदय में पहुंचाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, ये इसमें कुल 100 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मूछ होती है, मूछ यानी कि स्ट्रेन की बात कर रहा है। स्ट्रेन, स्ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ ही जाता है। तो स्ट्रेनली, मैंने ट्रिक बताया था, स्ट्रेनली स्ट्रेनम, स्ट्रेनली स्ट्रेनम, स्ट्रेनली मतलब स्ट्रेन जो मूछ होता है, ली मतलब लिगामेंट, यानी लिगामेंट का अधिक खींचे जाने या फटने से होता है मूछ, यानी कि स्ट्रेन। आसन नंबर 6 यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, लिगामेंट का जोड़ फैलने या फटने से होता है। आपकी बीपीएससी में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जोड़ों पर जो क्रियाविधि होती है, ज्वाइंट शब्द आया था कुछ ऐसे ही, जिसका राइट आंसर था लिगामेंट। ठीक है, और जो स्ट्रेन होता है जिसे खिंचाव कहते हैं, वो मांसपेशी या टेंडन के अत्यधिक खिंचाव के कारण होता है। ठीक है, आप सबको पता ही है कि जो टेंडन होता है वो कंकाल मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, एंड जो लिगामेंट होता है ये जोड़ों पर दो हड्डियों को जोड़ता है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, सिराएं यानी कि वेंस जो होती है रक्त ले जाती हैं। अभी जस्ट आपने पढ़ा कि धमनियां जो है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है वो बाएं अलिंद से, बाएं नीले से रक्त को लेकर के एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी जाती है। महाधमनी जो है इसके बहुत शाखाएं होती हैं जो समस्त शरीर में शुद्ध रक्त पहुंचाती हैं। यही भी पूछा है सिराएं, तो सिराएं जो है सभी अंगों से अशुद्ध रक्त को लेकर के हृदय में लाती हैं। हृदय के, वो भी कहाँ लाती हैं इसको भी याद रखिएगा, केवल हृदय में नहीं याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हृदय के किस भाग में सिराएं अशुद्ध रक्त ला करके जमा करती हैं। तो चाहे इन्फीरियर वेना कावा या है सुपीरियर वेना कावा, दोनों तरफ से, ऊपर ऊपरी तरफ अंगों से एंड निचली अंगों से, सभी तरफ से अशुद्ध रक्त ले करके जो सिराएं होती हैं वो दाएं अलिंद में ला करके जमा करती हैं, और दाएं अलिंद से जो है अशुद्ध रक्त दाएं निलय में आता है, और दाएं निलय जब संकुचित होता है तो यह रक्त पल्मोनरी
धमनी के रास्ते फेफड़ों में जाता है शुद्ध होने के लिए। जब वहां शुद्ध होकर के वह पल्मोनरी शिराओं के द्वारा बाएं अलिंद में आता है और बाएं अलिंद से जो शुद्ध रक्त होता है बाएं निलय में आता है। बाएं निलय से शुद्ध रक्त जो होता है वह एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में जाता है और महाधमनी से फिर सभी अंगों को शुद्ध रक्त पहुंचाया जाता है। एक साइकिल है, एक चक्र के रूप में हृदय काम करता है। तो हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त, बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है। इसके हृदय के चार कक्ष होते हैं, आप सबको पता ही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, हृदय मेल आता है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, बट इसको किस तरीके से क्वेश्चन घुमा सकता है एग्जाम में, ये आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कंट्रास्ट बाथ की संस्तुति की जाती है। तो दोस्तों जो कंट्रास्ट बाथ होता है इसमें दो प्रकार के जल का प्रयोग किया जाता है, ठंडा और गर्म जल का, जिसमें से पहले ठंडा जल का फिर गर्म जल का बारी बारी से प्रयोग किया जाता है। यह सूजन कम करने के लिए ज्यादातर किया जाता है। ऑप्शन नंबर राइट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, जब मांसपेशी में खिंचाव हो तो क्या प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार की चोटों के लिए सबसे पहले हम RICE का प्रयोग करते हैं। तो R मतलब रेस्ट, I मतलब बर्फ है, सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे बर्फ का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्रायोथेरेपी को ये भी कहते हैं। तो दोस्तों क्रायोथेरेपी को बर्फ चिकित्सा कहते हैं, यानी बर्फ चिकित्सा को क्रायोथेरेपी कहते हैं। इसको दूसरे भाषा में, दूसरे शब्दों में आइसोथेरेपी भी कह सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, कि क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत की लंबाई लगभग 2.4 मीटर लंबी होती है, यह सही है कि गलत है, आपको देखना है। तो ये दोस्तों पूर्णतः असत्य है, क्योंकि 6.5 मीटर जो होती है वो छोटी आंत की लंबाई होती है, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, कि सूजन कम करता है। तभी जस्ट आपने पढ़ा है कि सूजन जो है कंट्रास्ट बाथ करता है, जिसमें ठंडा और गर्म जल का प्रयोग होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, कि मोच का लक्षण निम्न में से एक है। मोच का लक्षण यानी कि जो स्प्रेन होता है उसका मेन जो लक्षण होता है वो सूजन होता है। क्या होता है, सूजन हो जाए है, इन्फ्लेमेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, कि पित्त यकृत में उत्पादित होता है। तो बात सत्य है, जो पित्त रस होता है बाइल जूस, उसका निर्माण जो है हमारे यकृत यानी कि लीवर में होता है, लेकिन उसका स्टोर यानी कि जमा कहाँ होता है, पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में। और जो पित्त रस एक कार्य क्या करता है, तो यह वसा के पाचन में प्रयोग करता है, और जो वसा में घुलनशील विटामिन है और उन सबको शरीर में ऑब्जर्व करने का काम करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, कि मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। तो ये सिंपल सा बात है, सबको पता है, लेकिन पूछ लिया जाता है जरूर। तो 206 हड्डियां हैं, ठीक है, और एक्सियल एंड अपेंडिकुलर दो प्रकार के भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक्सियल कंकाल एंड जो हमारे वक्षीय कंकाल होती हैं, ये 80 और जो अपेंडिकुलर हैं जो कि अपर लिम लोअर लिम मिला करके 126 हैं, कुल मिला करके 206 हड्डियां हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग है। तो त्वचा मुख्य पूछ रहा है, उत्सर्जी अंग तो इसमें त्वचा है जो पसीने को रूप में उत्सर्जन करता है। एंड फेफड़े है जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध हवा का उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे त्वचा, दोनों गुर्दे, फेफड़े तीनों उत्सर्जी अंग हैं, लेकिन सबसे प्रमुख बोला है तो वो है दोनों गुर्दे यानी दोनों जो किडनी होती हैं वो मुख्य उत्सर्जी अंग है। और जो किडनी होता है वो रक्त को छानने का काम करता है, ठीक है, छानने का काम करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, ये भी याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, खेलों में चोटें क्यों लगती हैं। तो लापरवाही से खेल रहे हैं, अपर्याप्त प्रशिक्षण, तकनीक, उपकरण अच्छा से वार्म अप नहीं किए गए हैं, उपकरण में कोई खराबी हो,
ज्ञान की कमी हो, नए नए खिलाड़ी हैं, इन सभी कारणों से आपको क्या लगता है चोटें लगती हैं। उपरोक्त सभी यहाँ पे क्या हो गया, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, फुफ्फुस यानी लंग्स एक का एक अंग है। तो फुफ्फुस यानी फेफड़ा किसका अंग है, आप सबको पता है, वेरी इजी क्वेश्चन है ये। श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है जो है फेफड़े, ठीक है। और फेफड़ों की जो एल्वेलाइज होती है वही गैसों का आदान प्रदान होता है, ये भी याद रखिएगा। फेफड़ों में बाह्य श्वसन होता है, ये भी याद रखिएगा। श्वसन दो प्रकार का होता है, बाह्य श्वसन आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन में दो क्रियाएं होती है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन यानी श्वास लेना और छोड़ना, ब्रीदिंग होता है फेफड़ों में। और जबकि श्वसन होता है जो ऊर्जा निर्माण होता है वो होता है आंतरिक श्वसन के द्वारा कोशिकाओं में होता है। तो आंतरिक श्वसन दो प्रकार का होता है, आक्सी श्वसन अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन जो अनाक्सी श्वसन में जो होता है जो ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन के बिना होता है अनाक्सी में। और जो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है जिसके फलस्वरूप 2 ATP का निर्माण होता है, ग्लूकोज का पारविक अम्ल में बदला जाता है जिसे ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया कहते हैं। और फिर वो जाता है माइटोकांड्रिया में जहाँ पे एरोबिक यानी कि ऑक्सी श्वसन होता है, एरोबिक एक्सपायरेशन होता है, जहाँ पे ऑक्सीजन के द्वारा जो माइटोकांड्रिया होता है उसके एंजाइम से क्रिया करके ग्लूकोज को ऊर्जा में बदला जाता है जिसमें 36 ATP का निर्माण होता है। इस प्रकार ग्लाइकोलिसिस अनाक्सी श्वसन के द्वारा 2 ATP, ऑक्सी श्वसन के द्वारा 36 ATP, कुल 38 ATP का निर्माण होता है, ठीक है। वही एटीपी जो है माइटोकांड्रिया जहां शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहां वहां उसको भेजता है, ठीक है। इसलिए माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक सामान्य मानव शरीर में होते हैं क्या होते हैं, एक ब्रिक यानी एक किडनी होता है, दो किडनी, तीन, तो दो किडनी होता है आप सबको पता है, तो इस पर ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जंघास्थि का नाम है, जंघास्थि यानी जांग की हड्डी इसमें है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है तो दोस्तों यहाँ पे टिबिया जो है नीचे पैर में है, टिबिया फिबुला, ये जांग की बोला है, जांग की आपका हो जाएगा फीमर, ठीक है, क्या हो जाएगा फीमर। उर्वास्थि जो हमारे शरीर की सबसे लंबी और भारी अस्थि होती है, सबसे छोटी हड्डी हमारे कान की स्टेपस है, सबसे मजबूत हड्डी हमारी जो निचले जबड़े की मैंडिबल है। हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग है इनेमल, दांत का इनेमल जो कैल्शियम फास्फोरस से बना होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है, शरीर संरचना का अध्ययन कहलाता है, तो यहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर की बात कहा है, शरीर संरचना की बात कहा है, तो वहां पे हमेशा होगा शरीर रचना विज्ञान यानी कि एनाटॉमी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। शरीर संरचना यानी स्ट्रक्चर की संरचना की जहां बात करें वहां एनाटॉमी होगा रचना विज्ञान, जहां क्रियाओं की बात करें वहां पे हो जाएगा क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी, और जहां पे गति मोशन की बात करें वहां पे हो जाएगा किनेसियोलॉजी, ठीक है। जहां उपकरणों के द्वारा मानव में गति होगा वहां पे बायोमैकेनिक्स हो जाएगा, तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 18 है, अस्थि पंजर में अस्थियां होती हैं, तो कितनी होती है, 206 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस अंग से पित्त उत्पन्न होता है, तो पित्त रस का निर्माण यानी उत्पन्न कहां होता है, यकृत में यानी लीवर में। क्वेश्चन नंबर 20 है, सोलियस पेशी होती है, तो जो सोलियस मांसपेशी होती है वो निचले पैर में होती है, ठीक है, निचले पैर में होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, मधुसूदनी द्वारा उत्पन्न होता है, तो मधुसूदनी किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो यहाँ मधुसूदनी से तात्पर्य इंसुलिन से है, तो इंसुलिन को मधुसूदनी भी कहते हैं। तो जो इंसुलिन होता है वह आग्नाशय यानी पैंक्रियाज से उत्पन्न होता है, स्त्रावित होता है, यानी कि आग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिकाओं में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा बीटा डेल्टा एंड एफ कोशिकाएं, जिसमें से अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकोगन हार्मोन उत्पन्न होता है जो यकृत को उत्प्रेरित करके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती है, यानी इसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है। और बीटा कोशिका से इंसुलिन स्त्रावित, इंसुलिन नामक हार्मोन स्त्रावित होता है जो
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। इसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम होता है। जैसे कि अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन नहीं बदल पाता है और ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज रक्त में चला जाता है और जिससे रक्त में जो है स्टार्च यानी कि स्टार्च की मात्रा ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है जिसे मधुमेह यानी डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। एंड अल्फा डेल्टा कोशिकाओं से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन उत्पन्न होता है जो आपके ग्लूकोगन और इंसुलिन दोनों को मेंटेन करता है, दोनों को अत्यधिक स्त्राव को रोकता है, बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, और पचे हुए भोजन को स्वांगीकरण करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल एंड साकेट ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों बॉल एंड साकेट ज्वाइंट एक हड्डी दूसरे हड्डी में गोल रूप में फंसा रहता है। ठीक है, और उसमें सभी दिशाओं में सभी प्रकार की गति संभव होता है। इसमें आपका हिप ज्वाइंट एंड आपका कंधे का ज्वाइंट होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कंधे का ज्वाइंट। एंड क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वस्थ मनुष्य की हृदय गति कितनी होती है? तो आप सबको पता है 72 बार प्रति मिनट होती है। जब कोई प्रशिक्षण लेता है, एक्सरसाइज करता है, दौड़ता है, उस कंडीशन में 180 तक हार्ट रेट पहुंच जाता है। और एक प्रशिक्षित जो एक ट्रेनिंग ले लिया है और उसकी जो हार्ट रेट होता है 40 से 50 होता है, और जबकि नॉर्मली जो अनट्रेंड है उसकी 72 बार प्रति मिनट होता है। यानी कि श्वास की नॉर्मली जो हृदय गति होगी जितनी कम होगी उतनी ही आप कम थकेंगे, यानी आराम आराम से सांस लेना, तो ये प्रशिक्षित खिलाड़ी में ही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव रक्त में होता है? तो RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सभी चीज़ें होता है। यहाँ पे श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, तो क ख दोनों हो जाएगा, वेरी इजी क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, खेल क्रियाएं राष्ट्रीय एकीकरण में सहायता करती हैं? तो जो खेल क्रियाएं होती हैं एक जगह सब आपस में मिलती हैं तो एक भाईचारा का भावना उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, सत्य हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव शरीर की सबसे छोटी संरचना है? तो क्या है दोस्तों, सबसे छोटी संरचना कोशिका, हमारे शरीर की मूलभूत इकाई या संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वो है आपका कोशिका, सेल, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, रक्त का क्या कार्य है? तो रक्त क्या करता है? रक्त के माध्यम से ही तो हमारे शरीर में पोषक तत्व एक जगह से दूसरे जगह पहुंचते हैं सभी अंग कोशिकाओं में, और ऑक्सीजन भी, ठीक है, पोषक तत्वों को ले जाना, ऑक्सीजन की पूर्ति करना, और RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के समस्त अंगों तक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इस प्रकार क ख दोनों राइट होगा, ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, यकृत यानी कि लीवर का क्या कार्य है? तो ये क्या करता है, पित्त का स्त्राव करता है, ठीक है, पित्तरस को बनाता है और इसका क्या करता है, स्त्राव करता है। एंड मूत्र बनाने का काम तो आपको करता है किडनी, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ख आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि शरीर की ऊंचाई, लंबाई, वजन, आकार में वृद्धि शारीरिक वृद्धि को दर्शाता है। तो दोस्तों आकार, आकृति, लंबाई में वृद्धि जिसे हम आप तौल सकते हैं वो आपका वृद्धि यानी ग्रोथ के अंतर्गत आता है, तो ये राइट बोल रहा है। और जो विकास होता है उसको हम माप नहीं कर सकते, ठीक है, वृद्धि जो होती है ग्रोथ है, डेवलपमेंट पार्ट में आप पढ़े होंगे, एक निश्चित आयु तक ही होती है, जबकि विकास यानी जो डेवलपमेंट होता है और मृत्यु प्रयत्न जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, अनुलोम विलोम क्या है? तो दोस्तों अनुलोम विलोम एक प्राणायाम है, क्या है, प्राणायाम है। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, कपाल भाती है? तो दोस्तों आप देखते हैं कि प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम के अंतर्गत भी आता है, और जो शुद्धि क्रिया है, जो 6 शुद्धि क्रियाएं हैं उसके अंतर्गत भी प्राणायाम, जो कपालभाति जो है प्राणायाम के अंतर्गत भी आता है, और जो 6 शुद्धि क्रियाएं हैं उसके अंतर्गत भी कपालभाति को देखा जाता है, जैसे कि नेति, दोति, नौली, बस्ति, कपालभाति, त्राटक। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ कपालभाति है, तो
तो एक प्राणायाम है, जबकि ये प्राणायाम और सटकम दोनों है। तो क्वेश्चन जो राइट मानेगा आयोग के ऊपर कोई क्वेश्चन निर्भर कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, रेचक का अर्थ है पूरक, कुंभक, रेचक। ये प्राणायाम के तीन घटक हैं। पूरक मतलब श्वास को अंदर लेना, कुंभक मतलब श्वास को कुछ देर तक रोके रखना अंदर या बाहर, एंड रेचक मतलब होता है श्वास को बाहर छोड़ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन, श्वास को बाहर छोड़ना। क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन यानी श्वास को बाहर छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 33 है, बाइसेप्स फिमोरिस निम्न में से किसके लिए प्राइम मूवर है। तो यहाँ पे बाइसेप्स फिमोरिस की बात कर रहा है दोस्तों। तो बाइसेप्स फिमोरिस किस निम्न में से किसके लिए प्राइम मूवर का काम करता है। तो बाइसेप्स, सबसे पहले तो आपको जानना है कि बाइसेप्स फिमोरिस है कहाँ पे। तो जो हमारे जांग, पिछली जांग में होती है हैमस्ट्रिंग मसल्स, वो तीन पेशियों से मिलकर बना होता है, बाइसेप्स फिमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनियस, सेमी टेंडेनियस। तो यह जो पेशी होती है यह घुटने को मोड़ने में काम आती है। तो प्राइम मूवर क्या होता है, तो घुटने के मोड़ने में काम आती है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। तो प्राइम मूवर यानी कि एगोनिस्ट की बात कर रहा है, जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में मुख्य भूमिका उठाता है, उसे कहते हैं प्राइम मूवर या एगोनिस्ट। जैसे कि घुटने को मोड़ने में मुख्य भूमिका बाइसेप्स फिमोरिस आपका अदा कर रहा है, और जो उसके विपरीत क्रिया करती है उसे कहते हैं एंटागोनिस्ट। जो मुख्य भूमिका अदा करती है उसे एगोनिस्ट कहते हैं, जो उसके विपरीत भूमिका अदा करती है उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो नी फ्लेक्शन के समय यानी घुटने को मोड़ने के समय मुख्य भूमिका अदा कर रही है बाइसेप्स फिमोरिस, और उसकी विपरीत भूमिका अदा कर रही है आपका ट्राइसेप्स मसल्स। तो यहाँ पे ट्राइसेप्स नहीं दोस्तों, क्वाड्रिसेप्स मसल्स, ठीक है। तो एगोनिस्ट हो गया, प्राइम मूवर हो गया बाइसेप्स फिमोरिस घुटने को मोड़ने में, और एंटागोनिस्ट यानी विपरीतवर्ती हो गया आपका क्वाड्रिसेप्स। एंड क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, 100 क्वेश्चन है, इसलिए आप अपना धैर्य बना करके देखते रहिएगा, ठीक है। और सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और कौन क्वेश्चन आपको आ जाएगा ये कोई गारंटी नहीं है, ये प्रैक्टिस ही आपको अभ्यस्त बना सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, समाजशास्त्र की शाखा का नाम है। तो समाजशास्त्र की शाखा का नाम है खेल समाजशास्त्र, ठीक है, जो फिजिकल एजुकेशन में आपको जरूरी होता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 35 है, मानव शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। तो दोस्तों मानव शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो यह है कोशिका यानी कि सेल जो है मानव शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि शारीरिक शिक्षा तथा खेल के कार्यक्रम मुख्यतः होते हैं। तो ये सामूहिक भी होते हैं देखते हैं, और व्यक्तिगत खेल भी होते हैं। तो यहाँ पे ग राइट हो जाएगा, क ख दोनों। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों कि कॉलर बोन का अन्य नाम है। तो दोस्तों जो हमारे बीच में वक्ष में एक हड्डी होती है मोटी सी, जिसे हम स्टर्नम कहते हैं, जिसके तीन भाग होते हैं, मैनुब्रियम, ग्लैडियोलस, जीफॉइड। तो जो ऊपर वाला भाग होता है मैनुब्रियम, उसे के से निकलता है आपका कॉलर बोन, जिसे हम क्लेविकल कहते हैं, जो कंधों तक जाकर के जुड़ती है। और फिर बीच वाले मैनुब्रियम क्लेडियोलस में आपका बारह बारह जोड़ी, दोनों तरफ बारह बारह पसलियाँ जुड़ी रहती हैं, ठीक है। तो और फिर होता है जीफॉइड, जिसके नीचे जो अंग होते हैं यकृत, अमाशय, ये सभी अग्नाशय। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जैसे पसलियों की जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं किससे जुड़ी होती हैं, तो पसलियों से जुड़ी होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों कि कोशिका के अध्ययन को कहते हैं।
तो कोशिका यानी सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी बोला जाता है, आर्थोलॉजी जोड़ों के अध्ययन को, साइकोलॉजी मनोविज्ञान को, बायोलॉजी जीव विज्ञान को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि लार किस में स्त्रावित होता है, तो हमारे मुख से स्त्रावित होता है। हमारे मुख में तीन जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, दोनों तरफ तीन तीन पाई जाती हैं, यानी कुल छह पाई जाती हैं। जोड़ों में पूछेगा तो तीन जोड़ी, कुल पूछेगा तो छह। तो इस लार ग्रंथि से सेलेवरी ग्लैंड से जो है उसमें टैलिन नामक एंजाइम होता है स्त्रावित होता है एंड लाइसोजाइम एंजाइम स्त्रावित होता है। तो टैलिन जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है, ठीक है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, एंड जो लाइसोजाइम होता है जो भी भोजन के साथ बैक्टीरिया आती हैं उन सब को नष्ट करता है। तो भोजन का जो पाचन है वो हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। अब भोजन का पूर्ण पाचन पूर्ण अवशोषण कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 40 है, मेरुदंड किसका एक अंग है। तो यहाँ मेरुदंड में आपका रीढ़ की हड्डी की बात नहीं कर रहा है, इसका कहने का तात्पर्य है स्पाइनल कार्ड यानी मेरुरज्जु की बात कर रहा है। तो यह तंत्रिका तंत्र का भाग होता है, जैसे कि हमारे तंत्रिका तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है, एएनएस पीएनएस और सीएनएस एएनएस और पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंतर्गत हमारा ब्रेन एंड मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कार्ड आता है। पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें 43 जोड़ी नाड़ियां आती हैं, जिसमें से आपका 12 जोड़ी दिमाग से निकलती है और 31 जोड़ी नाड़ियां स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। एएनएस यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, शरीर में सबसे बड़ी यकृत सबसे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। तो ये बात पूर्णतः सत्य है। आप सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बोलेगा दोस्तों तो वहां पे थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो पीयूष ग्रंथि है, जो हमारे मस्तिष्क में होती है और जिसे हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, पेशियों में पाया जाने वाला प्रोटीन है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन से आपका पूछा हुआ था, वह है मायोग्लोबिन मायोसिन, ठीक है, प्रोटीन की बात कर रहा है। एक्टिन मायोसिन पाया जाता है, तो यहाँ भी मायोसिन राइट होगा, लेकिन जैसे कि हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसी प्रकार हमारे जो मांसपेशियों में मायोग्लोबिन पाया जाता है, और जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में अपने पास संग्रहित रखता है, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो वही ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन टूट करके ग्लूकोज एटीपी बनता है और उसके बाद हमको ऊर्जा मिलता है। एंड क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों कि ग्रसनी कंठ श्वास वाहिका श्वास नली फेफड़े किसके घटक हैं, ये सभी श्वसन तंत्र के अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, यम कितने होते हैं। तो पतंजलि के अष्टांग योग के अंतर्गत 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसमें से यम जो है वो सामाजिक अनुशासन के लिए जाना जाता है और नियम जो है वो व्यक्तिगत अनुशासन के लिए। तो यम जो है सामाजिक अनुशासन के अंतर्गत 5 अंग आते हैं, जिसमें से सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह आता है, और जो नियम होता है उसमें व्यक्तिगत अनुशासन होता है, जिसमें आपका सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान आता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, योग के जनक कौन है। तो आप सबको पता है योग के जनक महर्षि पतंजलि हैं, जिन्होंने योग सूत्र में अष्टांग योग की बात कही है। एंड क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार है, बहिरंग योग है कि अंतरंग योग है, इसको मैंने कई बार बताया हुआ है कि जो शुरुआत के 5 हैं वो बहिरंग है और जो लास्ट के 3 हैं वो अंतरंग योग है। तो
तो शुरुआत के पांच यानी यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार ये बहिरंग योग है और धारणा ध्यान समाधि जो लास्ट के तीन है वो अंतरंग योग है। क्वेश्चन नंबर 47 है, योग करने का सर्वोत्तम समय क्या है? तो सबसे बेस्ट समय होता है प्रातः काल। क्वेश्चन नंबर 48 है, अष्टांग योग में कितने भाग होते हैं? तो आठ होते हैं, आपको पता ही है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। एंड क्वेश्चन नंबर 49 है, मांसपेशी खिंचाव क्यों होता है? ठीक है, तो ये खेल से पहले पर्याप्त वार्म अप नहीं करने से, आप अपने शरीर को नहीं गर्माए हैं, वार्म अप करने से जो हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बन जाता है, ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। एंड तो पर्याप्त वार्म अप न करने से मांसपेशी खिंचाव होता है, मांसपेशियों में असंतुलन होने से होता है, खनिज की कमी होने से होता है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, पद्मासन का दूसरा नाम है? तो दोस्तों पद्मासन का दूसरा नाम कमलासन भी है। क्या है? पद्मासन का दूसरा नाम कमलासन भी है और यह ध्यान करने का एक आसन है, जैसे पद्मासन सिद्धासन ये ध्यानात्मक आसन है और पद्मासन से जो है हमारे शरीर के हमारे मन में जो है यादाश्त क्षमता बढ़ता है। एंड क्वेश्चन नंबर 51 है, ताड़ासन की स्थिति होती है? तो दोस्तों ये खड़ी पोजीशन में किया जाता है, पंजों पे खड़े होकर के अपने हाथ को ऊपर खींचते हुए ऊपर की ओर उठना होता है, जो ये हमारे लंबाई बढ़ाने में यानी शरीर ज़्यादा उपयोग किया जाता है, शरीर को स्ट्रेचिंग करता है पूरी तरीके से, बेस्ट एक्सरसाइज है। एंड क्वेश्चन नंबर 52 है, धनुरासन में धनु का क्या अर्थ है? तो धनु का अर्थ धनुष है, यहाँ पे धनुष की तरह पोजीशन हो जाता है धनुरासन में, पेट केवल लेट के किया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 53 है, कि योग सूत्र के लेखक कौन है? तो आप सबको पता है योग सूत्र के लेखक है महर्षि पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 54 है, योग के उद्देश्य है? तो क्या है दोस्तों योग का उद्देश्य? योग का उद्देश्य रोग से मुक्त होना भी है, शरीर का शुद्धिकरण भी है, एकाग्रता भी है, ये सभी क्रियाएं आपके योग के द्वारा किया उद्देश्य होता है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, दर्शकों द्वारा प्रोत्साहन है? तो दर्शकों द्वारा जो प्रोत्साहन है वो किसके अंतर्गत आएगा? तो यह सामाजिक प्रतिस्पर्धी प्रेरक, सामाजिक प्रेरक, आर्थिक प्रेरक, क्योंकि कभी कभी दर्शक लोग क्या करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देखकर कोई इनाम देते हैं, तो एक आर्थिक प्रेरक का रूप में भी काम करते हैं, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, मयूरासन की स्थिति कैसी होती है? तो दोस्तों यह मोर जैसी स्थिति होती है, दोनों हाथों को हथेलियों को नीचे रख करके अपने कोहनी के ऊपर पूरे शरीर को बॉडी को उठाना होता है और उसको बैलेंस बनाना होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 57 है, प्राथमिक चिकित्सा का संबंध है? तो फर्स्ट एड का संबंध किससे है? प्रथम उपचार से। सबसे प्राथमिक चिकित्सा मतलब होता है कोई भी चोट लगा सबसे पहले जो आप उपाय करते हैं डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उसी को प्राथमिक उपचार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, प्राथमिक चिकित्सा पक्ष में होता है? तो सभी जो उपयोगी वस्तुएं हैं सभी चीज़ें होती हैं, डेटॉल रुई पट्टी ये सभी चीज़ें आपका उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, योग क्या है? तो दोस्तों योग जो है एक प्रकार का साधना है। क्या है? साधना है। क्वेश्चन नंबर 60 है, सर्वप्रथम फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग कब हुआ था? तो 1879 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था सर्वप्रथम फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग, ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य निकाय NFC यानी कि नेशनल फिटनेस कॉर्प्स कार्यक्रम कब स्थापित किया गया था?
तो यह स्थापित किया गया था 1965 में। कब? 1965 में। क्वेश्चन नंबर 61 है, खेलों में पुनर्वास में उपयोग करते हैं, पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन प्रोसेस, यानी चोट लगने के बाद पुनः पहले वाले स्थिति में आने को हम पुनर्वास कहते हैं। तो इसमें तीन विधियां होती हैं, एक करेक्टिव एक्सरसाइज यानी सुधारात्मक व्यायाम, और एक मनोवैज्ञानिक जो हम उसको सद्भावना देते हैं, मोटिवेट करते हैं, एंड एक आपका फिजियोथेरेपी। तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन रहे तभी आप टिक करिएगा। तो यहाँ भी सुधारात्मक व्यायाम यानी कि करेक्टिव एक्सरसाइज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, मोच यानी कि जो स्प्रेन होती है, एक चोट है, तो किसकी चोट है? ए लिगामेंट की अधिक खींचने से, तो यहाँ पे लिगामेंट हो जाएगा, अस्थि बंध यानी लिगामेंट की एक चोट है। क्वेश्चन नंबर 64 है, स्वास्थ्य के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन का विचार है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का कहना है कि केवल रोगों से मुक्त होना ही स्वास्थ्य नहीं है। वो कहते हैं कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार से आप ठीक हैं तब आपको कहा जाएगा कि आप स्वस्थ हैं। तो इनका कहना है कि संपूर्ण तंदुरुस्ती, जिसके अंतर्गत मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल सभी एंड सभी प्रकार के चीज़ों को ये मानते हैं कि व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ है, केवल रोगों से मुक्ति को नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में नहीं होता है, तो कैंची भी होता है, तापमापी होता है, पट्टी होता है, बट सिक्का यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 66 है, शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के निम्न चरण हैं, तो यह यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सभी चरण हैं। तो उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 67 है, ग्लूटियस मैक्सिमस पेशी स्थित होती है, तो आप सबको पता है कि यह हमारे नितंब यानी कि हिप में होती है, नितंब यानी कि हिप में स्थित है, जो शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है, सबसे बड़ी कहे तो ग्लूटियस मैक्सिमस, सबसे लंबी सार्टोरियस, और सबसे मजबूत मसेटर निचले जबड़े की मसल्स, और सबसे छोटी मसल्स स्टेपेडियस कान की। क्वेश्चन नंबर 68 है, युवा व्यक्ति में सामान्य पल्स रेट होती है, तो जो पल्स रेट नाड़ी दाब होती है वो 60 से 100 के बीच होती है, आपको पता है ये। तो दोस्तों 60 से 100 के बीच में होती है, अगर 60 से कम है पल्स रेट तो उसे हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, और 100 से ज़्यादा है तो उसे टैकीकार्डिया कहते हैं, ठीक है। तो ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया पूछेगा तो आप ध्यान रखिएगा, यदि हार्ट रेट, पल्स रेट जो होता है 60 से कम है तो ब्रेडिकार्डिया, और 100 से ज़्यादा है तो टैकीकार्डिया। क्वेश्चन नंबर 69 है, अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्लैंड स्थित होती है, तो एड्रिनल ग्लैंड आपको पता है कि जो दो ब्रिक यानी किडनी होती है उनके ऊपर स्थित होती है, तो प्रत्येक ब्रिक के ऊपरी सिरे पर स्थित होती है एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड जो होता है इससे जो एड्रिनलिन हार्मोन उत्पन्न होता है वो जो होता है हमारे शरीर की आपातकाल की स्थिति को कंट्रोल करता है, ठीक है। आपातकाल की जो स्थितियाँ होती हैं उसको कंट्रोल करता है, जैसे कि एड्रिनलिन जो होता है वह अनुकपी तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित होता है, जो एड्रिनलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन, फाइट और फ्ले हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि जो एड्रिनलिन हार्मोन होता है यह हमें संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है, जैसे कि मानसिक तनाव की स्थिति में अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है, जैसे क्रोध आना, डर लगना, घुटन होना, घबराहट होना, भूख लगने पर ये जो एड्रिनलिन की स्राव जो होता है बढ़ जाता है, हाई जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर, रक्तदाब भी बढ़ जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 70 है कि जल चिकित्सा को कहते हैं, तो दोस्तों इसको हाइड्रोथेरेपी भी कहते हैं, जल के द्वारा चिकित्सा को, शीत चिकित्सा को, बर्फ वाला चिकित्सा को क्रायोथेरेपी कहते हैं, विद्युत चिकित्सा को इलेक्ट्रोथेरेपी कहते हैं, मोम चिकित्सा को वैक्स थेरेपी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है,
सामान्य मानव शरीर में के कार्यों के अध्ययन को कहते हैं। तो दोस्तों, जब हम बताए थे आपको अच्छे से कि जब बॉडी स्ट्रक्चर की संरचना की बात आए तो शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी, कार्यों की बात आए शरीर के कार्यों की तो क्रिया विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी आ जाएगा, तो यहाँ पे शरीर क्रिया विज्ञान राइट होगा। जबकि गति या मोशन की बात आए तो किनेसियोलॉजी, उपकरणों के द्वारा मानव शरीर में गति, वो आपका हो जाएगा बायोमैकेनिक्स। क्वेश्चन नंबर 72 है, डेल्टॉइड पेशी स्थित है। तो डेल्टॉइड पेशी कहाँ पे है? तो स्कंध यानी कंधे में है। कहाँ पे है? स्कंध यानी कंधे में है। ये डेल्टॉइड पेशी को हम लिफ्टर मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये कंधे को ऊपर उठाने में काम करती है। ये क्वेश्चन आया भी था। एंड क्वेश्चन नंबर 73 है कि बाइसेप्स है। तो बाइसेप्स क्या है? किस प्रकार की मांसपेशी है? तीन प्रकार की मांसपेशियां होती हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशियां। तो यह जो है ऐच्छिक पेशियों के अंतर्गत आएगा, यानी स्वैच्छिक यानी रेखित पेशियां जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्न में से रक्त क्या लेकर जाता है? तो रक्त के अंतर्गत हार्मोन, एंजाइम, ऑक्सीजन, ये सभी रक्त के द्वारा ही हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है। तो ये सभी चीजों को लेकर जाता है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है कि सर्किट ट्रेनिंग क्या विकसित करने की मुख्य पद्धति है? दोस्तों, तो सर्किट ट्रेनिंग से स्ट्रेंथ एंड्योरेंस यानी शक्ति सहनशीलता विकसित होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 76 है, लचीलेपन के विकास की सर्वोत्तम पद्धति क्या है? तो लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबिलिटी को विकसित करने के लिए विधि है बैलिस्टिक स्टैटिक डायनेमिक एंड PNF मेथड। तो इसमें सबसे अच्छा पद्धति है आपका स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग पद्धति, यानी स्लो स्ट्रेचिंग करके और कुछ देर तक उसको रोके रखना, यही होता है स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्डिंग मेथड, जिससे लचीलापन का अच्छा खासा विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, योग का अर्थ है। तो योग मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। क्या होता है? जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 78 है, खेल समाज का महत्वपूर्ण अंग है। जो खेल है वो समाज का महत्वपूर्ण अंग है, राइट है, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 79 है, खिलाड़ियों में आत्मविश्वास होता है। तो जो भी अच्छा खिलाड़ी है उसके अंतर्गत सेल्फ जो है वो आत्मविश्वास तो होता ही है, ठीक है। बिना आत्मविश्वास के कोई भी चीज़ हासिल नहीं किया जा सकता, आत्मविश्वास आपको बनाना पड़ता है। एंड आपको प्रैक्टिस के द्वारा ही आत्मविश्वास आएगा, चाहे आप परीक्षा दे रहे हो चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो। खिलाड़ियों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों के लिए सामंजस्य का गुण आवश्यक है। तो दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सामंजस्य यानी कि कोऑर्डिनेशन होना। तो यहाँ से आप इससे सहमत हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 81 है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय गति कितना होता है? तो 60 से 100 होता है, नॉर्मली तो 72 होता है, बट इस प्रकार से पूछेगा तो 60 से 100 आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक है सामाजिक स्वास्थ्य के लिए, आर्थिक स्वास्थ्य के लिए। हेल्थ इज वेल्थ क्यों कहा गया है? इससे सभी क्रियाएं आपका सुगम होती हैं, आप शरीर के द्वारा ही तो हर एक कार्य करते हैं। तो यहाँ उपरोक्त दोनों आपका गौ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, हाइड्रोथेरेपी का अर्थ है। तो जल द्वारा जो चिकित्सा होता है, जल के साथ चिकित्सा, उसे हाइड्रोथेरेपी बोला जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 84 है, वार्मिंग अप क्या करता है? तो दोस्तों, वार्मिंग अप का क्वेश्चन आया हुआ था आपके BPSC में, जिसमें तापमान को बढ़ाता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता पेशियों में बढ़ाता है। ये दो चीजें था, जो आपका सही था उसमें। तो वार्मिंग अब क्या करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क, कि शरीर के व मांसपेशी का तापमान बढ़ाता है, जिससे शरीर में लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, जिससे चोटें कम आती हैं, ठीक है। एक किसी भी क्रिया या कार्य या खेल खेलने से पहले किया जाता है और बाद में कूलिंग डाउन किया जाता है लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 85 है, टेनिस एल्बो हो सकती है सिर्फ टेनिस खिलाड़ियों में, सिर्फ बैडमिंटन खिलाड़ियों में, हॉकी खिलाड़ियों में, इन तीनों में आपका हो सकता है। उपरोक्त सभी आपका राइट है। एंड क्वेश्चन नंबर 86 है,
एक निःशक्त लंबी दूरी के धावक को क्या प्राथमिक चिकित्सा संस्तुत करेंगे? निःशक्त यानी जो डिसेबल्ड है उसके लिए कौन सा हम प्राथमिक चिकित्सा को देना चाहेंगे? तो यहाँ पे मालिश राइट आंसर बोला हुआ है। तो प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत मालिश तो आता नहीं है, लंबी दूरी के धावक को बात कर रहा है, तो मालिश भी राइट हो सकता है, लेकिन कोई भी छोटी मोटी जो चोटें आती हैं उसके लिए सबसे पहले बर्फ चिकित्सा दिया जाता है। तो यहाँ पे निःशक्त लंबी दूरी के धावक को बात कहा है, तो इसके लिए मालिश आपका राइट हो सकता है। इसमें हम कंफ्यूजन है खुद ही, तो आप सभी इसको डिटेल में करिएगा और सही करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, थकान के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता क्या कहलाती है? तो जब भी थकान के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता आ जाए, थकान कब होगा? जब लंबे समय की क्रिया होगी, तो ये होता है आपका सहनशीलता। क्या होता है? इसे कहते हैं हम सहनशीलता यानी एंड्योरेंस। ठीक है, तो सिमिलरिटी जो वर्ड है, जैसे कि सहनशीलता को हम एंड्योरेंस भी बोलते हैं, स्टेमिना भी बोलते हैं, तो इन सभी वर्ड को आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन गलत ना हो। और इस सबसे क्वेश्चन स्पोर्ट ट्रेनिंग से 100% आता ही है, तो स्पोर्ट ट्रेनिंग के सभी टॉपिक को अच्छे से आप क्लियर रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 88 है कि मांसपेशी ऐंठन का क्या कारण होता है? तो दोस्तों, जो मांसपेशी ऐंठ जाता है उसमें अत्यधिक कार्य के करने से भी होता है, नमक की कमी हो गई शरीर में, पेशी में कोई चोट आ गया, इन सभी कारणों से, यानी उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, तीव्र अंतराल प्रशिक्षण विकसित करता है? तो जो हमारा अंतराल स्पीड, तीव्र अंतराल प्रशिक्षण जो है हमारी गति सहनशीलता को विकसित करता है। किसको करता है? गति सहनशीलता को। एंड क्वेश्चन नंबर 90 है, क्रायोथेरेपी का अर्थ है? तो दोस्तों, बर्फ चिकित्सा, शीत चिकित्सा को हम कहते हैं क्रायोथेरेपी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर 91 है, अष्टांग योग का चौथा भाग कौन सा है? ये क्वेश्चन नॉर्मली सा पूछ लिया जाता है हर बार, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम। तो चौथा भाग कौन है? प्राणायाम है। कौन है? प्राणायाम है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, पूरक का अर्थ है? तो पूरक मतलब श्वास को अंदर लेना, कुंभक मतलब श्वास को रोकना, और रेचक मतलब श्वास को बाहर निकालना। तो पूरक है यानी श्वास को अंदर लेना, यानी इंस्पायरेशन आपका राइट हो जाएगा, यानी श्वास को अंदर लेना इंस्पायरेशन, बाहर छोड़ना एक्सपायरेशन। तो यहाँ पूरक पूछा है, तो श्वास को अंदर लेना यानी इंस्पायरेशन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, पद्मासन और सिद्धासन है? दोस्तों, ये पद्मासन और सिद्धासन दोनों क्या है? ध्यानात्मक आसन है, बैठ के आप ध्यान करते हैं तो इसी आसन में ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, अष्टांग योग के अंतिम तीन भाग हैं? तो दोस्तों, अष्टांग योग के आठ अंग, जिसमें प्रथम पांच भाग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग योग के अंतर्गत आता है, और जो अंतिम तीन भाग है धारणा, ध्यान, समाधि, वो अंतरंग योग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर क राइट हो जाएगा, अंतरंग योग। क्वेश्चन नंबर 95 है, रिपीटेशन पद्धति क्या बढ़ाने में सहायक है? तो रिपीटेशन पद्धति से आपका बढ़ना चाहिए गति क्षमता, गति क्षमता यानी गति सहनशीलता बढ़ता है। यदि यहाँ पे आंसर दिया है उपरोक्त सभी, लेकिन उपरोक्त सभी नहीं हो सकता दोस्तों। रिपीटेशन पद्धति, बार बार आप रिपीट कर रहे हैं स्पीड से, यहाँ पे गति सहनशीलता डेवलप हो रही है। ठीक है, तो 95 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन नंबर 96 है, मांसपेशी या संधि में विस्तार को हम क्या कहते हैं? तो जोड़ों के विस्तार की जब बात आए, वहां फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा राइट होगा। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लोच आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है कि शवासन व मकर आसन क्या है? तो दोस्तों, शवासन और मकर आसन जो है विश्रामात्मक आसन है, विश्रामा
विश्रामात्मक आसन यानी कि आराम की अवस्था का आसन है। शवासन से जो हमारा दिमाग होता है शांत होता है और जो ब्लड प्रेशर होता है उसको नॉर्मली किया जा सकता है शवासन के द्वारा। ठीक है, शवासन को मृत्यु आसन भी बोला जाता है, याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 98 है, लोच व गति शारीरिक स्वास्थ्य के घटक हैं। तो शारीरिक यानी फिजिकल फिटनेस के घटक फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्पीड दोनों हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, योग शारीरिक शिक्षा का एक अंग नहीं है। तो योग तो शारीरिक शिक्षा का एक विशेष अंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, प्रतिकूल प्रक्रिया को करना चाहिए, प्रतिकूलन प्रक्रिया दिया है, प्रतिकूलन यानी कूलिंग डाउन की बात कर रहा है। शुरुआत में आपको कोई क्रिया करने से पहले वार्मिंग अप करते हैं, शरीर को गर्माते हैं और सभी क्रिया करने के अंत में आप कूलिंग डाउन करते हैं। तो प्रतिकूलन की प्रतिक्रिया जो है कब किया जाता है, प्रतिक्रिया प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन के बाद किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में ये 100 क्वेश्चंस था। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा जिस भी क्वेश्चंस में कमेंट में बताइए, हम सब मिलकर के उसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए डेली बेसिस से मेरे चैनल पे, डेली बेसिस से प्रैक्टिस करने के लिए थ्योरी सेशन से लेकर एमसीक्यू क्वेश्चंस, वन नाइनर, सभी प्रकार के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, सभी प्रकार की चीज़ें अवेलेबल हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।